जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष अमिताभ चौधरी अब इस दुनिया में नहीं रहे, लिहाजा छात्रों में इसे लेकर क्या प्रतिक्रिया है, छात्र क्या सोचते हैं, ये जानने और समझने के लिए हम पहुंचे हैं मोराबादी स्थित सेंट्रल लाइब्रेरी। और कुछ छात्र हमारे साथ मौजूद हैं जो विभिन्न जेपीएससी परीक्षाओं में शामिल हो चुके हैं। सर, पहले सब आपसे जानना चाहेंगे, एक जो अध्यक्ष थे अमिताभ चौधरी, उनका जाना एक छात्र जीवन के लिहाज से कितना किस रूप में देखते हैं आप? नहीं, काफ़ी दुखद है, मतलब काफ़ी दुखद है। हम लोग जेपीएससी के चेयरमैन रहे, अपना काफ़ी शॉर्ट टर्म में एक जो अभी तक का रिकॉर्ड है, जो मतलब लिमिटेड समय में फॉर्म भरने से ले तक क्या कहते हैं रिजल्ट तक वो प्रॉपर अपना काम किए हैं, तो दुखद है, काफ़ी सैड न्यूज़ है हम लोग के लिए एज ए स्टूडेंट हैं। क्योंकि जो भी आप बड़े पोस्ट में रहते हैं तो कुछ विवाद का उसमें साया रहता ही है, लेकिन अब चूँकि वो चले गए हैं और उन्होंने कहीं एक लाइन खींचने की कोशिश की है, आपको क्या लगता है जेपीएससी में कैसे व्यक्ति की ज़रूरत है जो छात्रों की आकांक्षाओं को पूरा कर सके? ऐसे ही स्ट्रिक्ट लोग रहे, लेकिन थोड़ा झारखंडी झुकाव होना चाहिए, है ना, कि रूल वैसे ही बने जैसे कि झारखंडी छात्रों को फ़ायदा हो, और स्ट्रिक्ट तो होना ही चाहिए, स्ट्रिक्ट नहीं रहेंगे तो काम ढंग से होगा नहीं, है ना। तो और लॉयल्टी रहना चाहिए, क्या कहते हैं, गवर्नमेंट की तरफ नहीं, स्टूडेंट की तरफ, है ना। बस अच्छे लोग जो हैं वे लोग सर्विस में जाए तो अल्टीमेटली झारखंड का ही अच्छा होगा। ये तमाम छात्र कहते हैं कि भले जो भी विवाद रहा हो सेवन जेपीएससी में, पहले उन्होंने बहुत सीमित समय में रिजल्ट दिया, इसको कितना एक चुनौतीपूर्ण मानते हैं एक चेयरमैन के तौर पर? नहीं, एक बहुत बड़ा मतलब चैलेंज है ये, एक है ना। और क्या कहते हैं, झारखंड जैसा एक प्रदेश में जहाँ इतना रूल्स जो है इतना लचर फचर है, उस जगह रिकॉर्ड टाइम में करना, है ना, ये अपने आप में एक चैलेंज था जो उन्होंने अच्छा किया, मतलब लिमिटेड समय में अच्छा किया। कि अपनी प्रतिक्रिया है, छात्र अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं, लेकिन ये इस बात के लिए जरूर उनकी प्रशंसा होती है कि उन्होंने बेहद सीमित समय में सेवन जेपीएससी का रिजल्ट दिया, और कहीं ना कहीं जो छात्र चुनकर आए हैं जो आज जॉब होल्डर हो चुके हैं उनकी नज़र में वो एक बेहतर इंसान के रूप में जाने जाएंगे, लेकिन जो उन्होंने एक लकीर खींची है उस लकीर को आगे बढ़ाने के लिए एक बेहतर चेयरमैन की ज़रूरत है जो कम से कम झारखंडी हितों का भी ख्याल करे। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ रांची न्यूज़ बाइस्कोप से शहनवाज।